इंडिया का हाँ मतलब ये पहला ब्रिज है हाँ जी जो कि 440 मीटर लंबा हाँ जी हैंगिंग ब्रिज। हेलो ट्रिप टू अकबल अक जाना अर तक तक पोर नी डोबरा चाटी डोबरा चाटी मुखड़ी दिख लिया लो डोबरा चाटी पे जा रहे हैं आज हम फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एंड वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ट्रैवल फ्रॉस्ट। हला चला चल दो गाड़ी। ओके टिल देन बाय। मेरा गांव भाई जी बंदा गांव बंदा आज मैं आज गांव बंद हुई हूँ आज मोटोरोला ओल्ड मॉडल पिचकुलेंट पिचकुले का पिचकुलेंट पिचकुले कंपनी। हेलो हेलो अरे नाराज हो गई लो बेटा निकल 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 वे पुरेला पार्किंग स्टेशन टीरगढ़ बात अड्डे साल पिडवाल टीरगढ़ बात ट्रक वाला भाई साइड दे दो ये बाबा भोजनालय ही बेटा होटल भी है भाई भाई होटल भी है इधर। अभी आते अभी अभी आखिरकार ब्रेक में नियंत्रण रखने के बाद हम पहुंच चुके हैं डोबरा चाटी पुल के पास। हाँ बड़े लौटे खड़े हो गए आप लोग और आखिरकार पहुंच गए हम डोबरा चाटी पुल के पास। ऐसी मैं पहली बार आ रहा हूँ आज। हाँ फर्स्ट टाइम पहली बार अरे हम मार्केट वाला है। आखिरकार डोबरा चाटी की धरती पर हम पहुंच गए। मुझे अब तक हम आसमान में तेन मुड़ान लगे हैं किला मुड़ाने हम देखो जो मंदिर है साक्षात मंदिर की चीज को मंदिर पता नहीं बताए। आज मैं पहली बार आई हूँ डोबरा चांटी की तरफ पहली बार आज जो डोबरा चांटी के पुल आप लोगों ने रिक्वेस्ट करे थे यहाँ की बस मैं ऑर्डर की मुझे तो चला मेरे आज चल दो। अरे अरे रुक क्या भाई क्या भाई है क्या भाई बोलिए कुल भूल काम कुछ आजकल दिल्ली से मैं जा रही हूँ मैं तो बड़ी दिक्कत हुई तक दिल्ली में जी उत्तराखंड आने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ चकाचक बिल्कुल। आखिरकार 7-8 दिन की मेहनत के बाद मेरे जो हप्पू हो रखे थे ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन गायब हो चुके हैं। अब मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी घर जाऊँगा वापस अपने उत्तराखंड थैंक्स टू ताऊजी की वजह से मैं ठीक हुआ। हमेशा जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं ताऊजी के पास पहुँच जाता हूँ और ताऊजी मेरे को हमेशा ठीक करते हैं। इस बार भी ऐसी बार ताऊजी ने मुझे ठीक किया है। दादा कार्य प्रारंभ 2016 में हुई 12/2/2016 में जी और 2017 बोले क्या कार्य समाप्ति हाँ बड़ी कुछ और लियो कुछ की और चीज को मिल सकती हो भी तले ही हो जाए मुझे। इसकी पूरी लागत है इस पूरे प्रोजेक्ट की 150 करोड़ पूरी लागत ठीक है ना। बाकी डोबरा चांटी ब्रिज जो आपका है ये PWD न्यू टिहरी इन्होंने ये इसको मतलब वो कर रहे हैं इसको ठीक है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो आपकी है लीड पार्टनर ये कौन कौन से हैं चंडीगढ़ से हो बेटा PNR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड चंडीगढ़ सैलियंट फीचर ऑफ सस्पेंशन ब्रिज ये आपका 440 मीटर का है यानी कि आधा किलोमीटर के आसपास लगा लो आप ठीक है ना। अभी यहाँ पे ब्रिज में अगर आप आओगे तो यहाँ पे सब कुछ लॉक्ड रहेगा सब कुछ आगे से देखो उधर अभी काम चल रहा है इसलिए भी लॉक कर रखा है ये वाला। हम कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ अगर अवेलेबल हो सकता है हम सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं बस इंजीनियर साहब से। ये बाबा मैंने देखी दोबारा कर ये तो बतेर बढ़िया थे ले इंजीनियर साहब से मिलने जा रहे हैं हम। ऑल्टो है ना कुछ नहीं इंजीनियर पर बाहर हां भाई ये उठाने जी वजन उठाने लगे आज
सही बात। ऑल टू ये बड़े बांदर मिल लेख हैं, बांदर तो मतलब सब जगह। ये पूरा ब्रिज देखो, अभी भी काम चल ही रहा है इसका। ये नहीं होगी, ये पूरा नहीं हो ऐसे काम, इसका अभी भी चल ही रहा काम, इसलिए बंद है, नहीं तो फिर ये ऑन भी हो जाता है, ऑब्वियसली बात है। कुल मिला के बहुत ही औसम है। अभी हम शाम के टाइम आ रखे इधर, अभी मेरा नाम हरीश यादव, प्रेजेंट मैं इधर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए। हाँ जी। मैं तो इधर 2016 जून में आया, काम शुरू हुआ था फरवरी 2016 में। हाँ जी। क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग जॉब था। हाँ जी। और ये पहले शुरू हुआ, फिर बंद हुआ, और फिर इसके बाद यहाँ नहीं कोई कर पाया, तो फिर ये साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बनना शुरू हुआ। हाँ जी। तो उसके कंसल्टेंसी के सुपरविजन में ये काम शुरू हुआ फरवरी 2016 में। हाँ जी। बीच में भी बहुत सारी बाधाएं आई, हमने जब सारा टावर का वगैरह का सारा रेट्रोफिटिंग करके सारा सिस्टम ठीक कर लिया, करने के बाद हमने जब इरेक्शन स्टार्ट किया, डेक का इरेक्शन, मेन डेक को जोड़ना था, डेक का इरेक्शन स्टार्ट किया, तो चार पैनल हमने चाटी साइड जोड़े, पांचवा पैनल हम डोबरा साइड जोड़ रहे थे। अच्छा। और वो 23 अगस्त 2018 7:45 PM जी, चाटी साइड के जो सस्पेंडर जो कि रांची के सप्लाई थे पहले के, हाँ जी, वो सस्पेंडर की शॉकेटिंग फेल हो गई। अच्छा। शॉकेटिंग फेल हुई, फेल होने की वजह से डेक जो है मतलब उसको टिल्ट होकर के गिरा नहीं। अच्छा। उसमें 24-8 आदमी काम कर रहे थे डेक के। हाँ जी। गिरा नहीं, बच गए, आदमी भी बच गए, कोई मेटेरियल का भी नुकसान नहीं हुआ। हाँ जी। तो वो फिर इसके बाद काम रुक गया। हाँ जी। रुकने के बाद सारे सस्पेंडर जो पूरे लगे हुए थे वो सारे सस्पेंडर नीचे खोल के उतारने पड़े, फिर उसकी सॉकेटिंग काटनी पड़ी, काट करके दोबारा रीशॉकेट हुआ। अच्छा, दोबारा से किया फिर उसको। दोबारा रीशॉकेट हुआ, इसके बाद फिर जा करके इरेक्शन हुआ। अच्छा। इरेक्शन होने के बाद इसको बीच में 10 महीने हम लोग आईडी लैब बैठे रहे। अच्छा। इसी काम को करने के लिए, रीशॉकेटिंग और उसको करने के लिए उषा मार्टिन ने अपने मतलब आदमी प्रोवाइड किया, उन्होंने शॉकेटिंग किया, लेकिन हम लोग उसमें बीच में चेक करते रहे। ये सारी चीजें होने के बाद फिर हमने मई एंड में 2019 मई एंड में हमने फिर इरेक्शन स्टार्ट किया इसका। अच्छा। दोनों साइड से जोड़ना शुरू किया। हाँ जी। और 8 सितंबर 2019 में ये डेक का मतलब डेक क्लोज हो गया। अच्छा। इसके बाद इसकी हैंड रेलिंग, फुटपाथ और विंड फेयरिंग का काम जो है अभी प्रोग्रेस में है। अच्छा। इसकी जो टारगेट डेट हमारी जो है मतलब इसकी हम इसे कंप्लीट करने की 31 मार्च 2019 है। अच्छा। और हमें उम्मीद है कि अगर कोई बीच में फिर कंसल्टेंट या किसी की कोई और बाधा न आए तो हम इस माइलस्टोन को पूरा कर लेंगे। बिल्कुल। और ये पब्लिक के लिए हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अप्रैल मई में पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। ये हम लोगों की पूरा प्रयास है। हाँ जी। और इसके साथ हम काम कर रहे हैं। बढ़िया। बहुत पहले से प्लानिंग थी एक्चुअली, बट कोई कर नहीं पाया इसको। तो जब फर्स्ट टाइम 2006 से था। हाँ जी। 2006 से स्टार्ट हुआ, 2008 में कुछ सप्लाई हुई, 2010 में काम हुआ। हाँ जी। अल्टीमेटली 2012 में शायद ये टोटली बंद हो गया। हाँ जी, बंद कर दिया। मैं इंटरनेट की खबर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरे पास इसका कोई डिटेल डाटा नहीं है। अच्छा। अच्छा। फिर अभी इन्होंने मतलब पीडब्ल्यूडी जो मेन पहले किसी और डिपार्टमेंट में था, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर में था ये। अच्छा। अच्छा। बाद में जब हुआ तो गवर्नमेंट ने पीडब्ल्यूडी को दे दिया, भाई आप करो इसको। अच्छा। अच्छा। आपका स्पेसिफिक जॉब है, आप इसी में मास्टर हो। हाँ जी। रिहैबिलिटेशन वाले सब जानते नहीं। अच्छा। तो पीडब्ल्यूडी में जब आया जॉब तो इनको भी चिंता हुई, भाई ये सही है गलत है। सही बात है। ये IIT रुड़की का डिजाइन था। हाँ जी। IIT रुड़की से उन्होंने किया, फिर इसके बाद वेटिंग कराने के लिए IIT खड़गपुर चले गए। हाँ जी। IIT खड़गपुर ने मना कर दिया। अच्छा। भाई इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है। सही बात है। हो जाएगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये बहुत टिपिकल था, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, कोलैप्स कर सकता है, टावर गिर सकता है, सब। जी जी, सही बात है। वो चीजें उस समय की जो है कोई प्रॉपर टेस्टिंग रिकॉर्डिंग नहीं था। अच्छा। अच्छा। और उसका रिजल्ट ये आया सामने कि सस्पेंडर जब फेल हो गए। हाँ जी। तो इवन कंसल्टेंट भी बैकआउट हो गया। अच्छा। और हम लोगों ने जो इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हायर किए हुए थे, हाँ जी, एज पर कॉन्ट्रैक्ट,
वो भी बैक आउट हो गए, भाई आपका टावर सही नहीं है, कुछ भी हो सकता, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी वे चैलेंजिंग जॉब, हम लोग बीइंग इंडियंस और इंडिया में काम कर रहे हैं, हाँ जी, इसको हम लोगों ने पूरा प्रयास करके किसी तरह से ब्रेक को अपना जोड़ दिया। बोला जाता है काफी सारी कंट्रीज के यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ट्राई किए यहाँ पे, वो तो ग्लोबल टेंडर है, ग्लोबल टेंडर में आदमी का क्या होता है, हाँ जी, मेरा कोई रोल नहीं था, हाँ जी, इसके बारे में कोई बोल पाऊंगा, हाँ जी, तो ग्लोबल टेंडर तो मतलब ओपन टेंडर है, कोई भी कंट्री पार्टिसिपेट कर सकती है। अच्छा अच्छा। तो सवाल उसमें एक भाई जो L1 आएगा उसी को देंगे। सही बात है। डिपार्टमेंट का भी खर्चा भी तो देखना है ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये रहा, मतलब बीच में दो बार तीन बार टेंडरिंग हुआ, हाँ जी, लास्ट में उन्होंने फाइनलाइज किया साउथ कोरिया। हाँ जी हाँ जी। तो मेन जो कंपनी आपकी उसका उसका नाम क्या था आपका? मेरी कंपनी का नाम P&R इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चंडीगढ़ की है। ओके। और ये लोग मतलब बेसिकली स्ट्रक्चरल वर्क ही करते हैं, लोहे का काम। हाँ जी। स्टेडियम है, ब्रिजेस है, फ्लाई ओवर्स है, हाँ जी, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। बाकी सर ने जेल एंड स्टेडियम जो दिल्ली का है वो भी सर ने ही डेवलप करवाया पूरा का पूरा, उसके सर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। और जवाहर नेहरू स्टेडियम मैंने बहुत बार वहाँ गया भी हूँ, वहाँ पे फुटबॉल मैचेस देखे हैं, और सच में उसका कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम सर के साथ ही जा रहे हैं अभी। हम सर यहीं रहते हैं ना, पहाड़ों में तो लोग ऐसे रहते हैं कि हम कहीं भी चल जा सकते हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। चेक करना, ब्रिजेज बनते हैं, कंपेयर करते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये ऐसे बनाए, सस्टेन कर रहा है। हाँ जी। तो इस तरह का फर्स्ट टाइम इंडिया में, एक साइड से मतलब बड़ी गाड़ी जो है, हाँ जी हाँ जी, एक साइड से पार होगी। अरे वाह। उसके साइड से छोटी गाड़ी कोई भी जा सकती है। अच्छा। फिर इसके बाद रोक करके बड़ी गाड़ी दूसरे साइड से पार कर। ओके। सेफ्टी रीजन से मान लीजिए जैसे हैवी व्हीकल जा रही है। हाँ जी हाँ जी। 18 आर है, मैक्सिमम 18 टन का लोडिंग है। अच्छा, 18 टन तक का। ओके। तो 18 टन की गाड़ी एक, हाँ जी, एक बार पार होगी। हाँ जी। गाड़ी जा सकती है। और अच्छा अच्छा। छोटी गाड़ी के लिए कोई लिमिटेशन है? ओके। अच्छा, वो कितनी भी जाए। लेकिन 5-6 गाड़ी जा सकती है एक लाइन में। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। लेकिन क्रॉस नहीं करेगी, दोनों साइड से अलाउड नहीं। अच्छा, दोनों साइड से अलाउड नहीं। दोनों साइड से अलाउड। अब तो उसके लिए फिर तो वहाँ पे की जैसे वहाँ से रोक देंगे उस टाइम के लिए ट्रैफिक। साइड वे ब्रिज बनेगा। हाँ जी हाँ जी। कंट्रोल रूम बनेगा। ओके। तो मतलब इधर से मान लीजिए जैसे डोगरा साइड से गाड़ी जा रही है। हाँ जी। तो 4-6 गाड़ियाँ जो भी है वो पार हो जाएंगी, तब 6-8 साइड से अलाउड। अरे वाह। और बाकी छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो चलती रहेंगी। अच्छा, वो चलती रहेंगी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन। ओके, बढ़िया। तो इसका बिल्कुल दिन रात काम चल रहा है आजकल में, मतलब 8 से 8। अच्छा, अरे वाह। मिनिमम 8 से 8, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक पूरा काम चलता है इसका। और इमरजेंसी कोई पड़ गई तो रात के 10 भी बज जाता है, 11 भी बज जाता है। मान लीजिए हम एक सेगमेंट जोड़ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। जब तक कोई जुड़ नहीं जाता, हाँ जी, बोल्ट नहीं हो जाता तब तक उसको छोड़ नहीं सकते, हैंगिंग पोजिशन में नहीं छोड़ सकते। अच्छा अच्छा। ताकि हवा आए इधर से उधर, कहीं सही बात जाए। ये अभी तो क्या है कि अभी स्टेबलाइज हो गया है। हाँ जी हाँ जी। जुड़ जाने की वजह से हम मतलब पब्लिक को अलाउ नहीं कर रहे। ओके ओके ओके। वो सारे काम इलेक्ट्रिक वर्क चल। हाँ जी हाँ जी। कोई कैजुअलिटी हो सकती है, हरेक आदमी को तो पता नहीं है कहाँ। सही बात है। हाँ जी। जो कोरियन क्लाइंट्स यहाँ पे आ रखे हैं एक्चुअली, तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब उन लोगों ने काम का जो कोरियन का डिजाइन है, बस उनका सिर्फ डिजाइन किया अपना। हाँ जी हाँ जी। सुपरविजन था लेकिन सुपरविजन का प्रॉपर नहीं रहा। अच्छा अच्छा। उनको मेन चीज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अच्छा। तो उनकी जो टेक्नोलॉजी जो थी, हाँ जी, मतलब एजुकेशन उनको हमने फॉलो किया। हाँ जी। रेसेंट मेथड जो था उनका, हाँ जी, हमें पूरा चेंज करना। अच्छा, पूरा मेथड चेंज करना, पूरा रेसेंट मेथड उनका चेंज करना। ओके। और ये स्ट्रक्चर है, हाँ जी, इसमें हवा का जो दबाव है, हाँ जी, उसको कंट्रोल करने के लिए। हाँ, क्योंकि हवा चलती है तो ब्रिज में बहुत इफेक्ट पड़ता है उससे। हाँ जी। उसके लिए ये विंड फेरी। अच्छा, विंड फेरी सिस्टम है ये। ओके। इनका डिजाइन ही ऐसे होगा कि ताकि ये हवा को मतलब धकेल देगी। अच्छा, काट देगी उसको नीचे और ऊपर ऐसे। अरे वाह। तो ये अभी इसकी प्रोसेस है। चलो, सही है। ये हम लोग यहाँ पे अभी जो ब्रिज है आपका, इसी में हम लोग जा रहे हैं अभी, जो आगे डोबरा चांटी जो आपका पुल है, अभी काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, कि टाइम से पूरा फिनिश हो जाए पूरा का पूरा। बढ़िया। तो कितने कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं यहाँ पे, जितने लोग यहाँ वर्कर्स जो आपके हैं?
मेन जो वर्कर्स है, स्किल्ड वर्कर्स है, हाँ जी, तो करीब अराउंड 45 to 50 वर्कर्स है। अच्छा, 50 वर्कर्स टोटल है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, बाकी इंजीनियर सुपरवाइजर को अलग। हाँ जी, हाँ जी, गाइड करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। तो देखो कितना सारी हैवी मशीन है यहाँ पे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी हैं जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अरे वाह। और जो स्टील का पूरा, ये पूरा, ये जो मटेरियल पूरा का पूरा, इसके ऊपर फिर, इसके ऊपर फिर क्या क्या कोटिंग होती है? मास्टिक लेयर है। अच्छा, बिटुमिनस लेयर आती है, मास्टिक ब्लैक को। अच्छा अच्छा, तो टेक्निकल वर्ड है मास्टिक लेयर। मतलब ब्रिज को प्रिपेयर करने के लिए पूरे, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा, एक तो मतलब कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मेरा कॉन्फिडेंस के कुछ काम नहीं हो सकता। जो हवा में लटकता हुआ जा रहा है स्ट्रक्चर, हाँ जी, आपको 220 मीटर चांटी साइड से, 220 मीटर डोबरा साइड से, हाँ जी, हाँ जी, जब तक ये जुड़ नहीं जाता है, हाँ जी, तब तक आर्क कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल, ये तो आर्क कंप्लीट नहीं होना से कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, कोई फेलियर हो गया, कुछ हो गया, कोई हाँ। एक भी मेन केबल कुछ हुआ, हाँ जी, तो ये रुकने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, ये सारा लेक में जाने वाला। हाँ जी, ये चलता जाएगा। हाँ, तो इसलिए इसकी जो है बड़ी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। हाँ जी, मतलब हमेशा जो इसके ऊपर मेन केबल पर लोड कितना आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मेरा टावर की पोजीशन क्या है, टावर किधर झुक रहा है। हाँ जी, सबसे क्रिटिकल होता है टावर की लोकेशन। अच्छा अच्छा, टावर हमेशा वर्टिकल मेंटेन करना है। हाँ जी, अगर वो लेग साइड ज्यादा झुक रहा है तो बैक साइड बैक स्ट्रेचिंग है इसमें। सही बात है, जैक लगे, सारा सिस्टम है इस टावर को खींच करके अपने क्रिटिकल, और ये इसकी जान है। अच्छा, टावर अगर झुकता चला गया लेग साइड, हाँ, तो एक स्टेज के बाद वो क्लच कर जाएगा। अच्छा, ओके, इसके लिए सारे अटैचमेंट है। हाँ, साइड में एक चांटी साइड में 48 जैक्स हैं। हाँ जी, डोबरा साइड में 48 जैक्स हैं। हाँ जी, और हर एक जैक की कैपेसिटी है 100 टन। अच्छा, 100। तो उस जैक के हिसाब से टावर कंट्रोल। अच्छा, तो एक टाइप से बोलते हैं हर चीज़ की एज होती है, तो इसकी एज हम कितना मान सकते हैं, इसकी एज कितनी है? मतलब 100 टन का है, 100 ईयर्स। अच्छा, 100 ईयर्स तक। ओके, अरे वाह, मतलब 100 ईयर्स के बाद मींस इसका मेंटेनेंस का मेंटेनेंस प्रॉपर है, सब कुछ 100 ईयर्स से सस्टेन करेगा, ताकि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है तब जाके इसका फिर मेंटेनेंस का काम चालू होगा फिर। ये सही कहा आपने, ये अवेलेबल हो पाएगा लोगों। तो मींस जो भी लोग आसपास के जो लोग गांव के लोग जो एक पार से दूसरी पार जाना चाहते हैं, तो मार्च के बाद ही सबके लिए अवेलेबल होगा। और मार्च तक हम एस्टिमेट मान के चल रहे हैं कि एस्टिमेट वहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगा। हाँ जी, और बाकी जो पूरा ब्रिज है, आप मींस कोई भी पर्सन अभी तो जा सकता है, जिसको की जो सेफ्टी जो वर्कर्स है, प्रॉब्लम नहीं है, बट सेफ्टी रीजन से अलाउ नहीं है। सर, सेफ्टी रीजन की वजह से। हाँ जी, ओनली स्पेशल विजिटर्स हैं या कोई इस तरह से जो है क्लाइंट्स या डेलीगेशंस, उन्हीं के लिए हम लोग अलाउ करते हैं। ओके, विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। सिर्फ हाँ, जो कोई मतलब सेफ्टी तो सबसे पहली चीज है। जब पहले दिन आपने देखा कि ये प्रोजेक्ट अब करना है मुझे, तो आपने क्या कैसे मतलब उसको लिया था फिर? प्रोजेक्ट करने के लिए जो आदमी है अपना कॉन्फिडेंस लेकर के, अभी ठीक है हमको करना है, हमने जब प्रोजेक्ट लिया है तो हमें करना है इसको। बिल्कुल, बाधाएं तो बहुत सारी आई, इनिशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, फिर ये इन्होंने बैंक से अपना लोन लिया। हाँ जी, हाँ जी, और बैंक से जब पैसा सैंक्शन हो गया इनको, 75 करोड़ पैसा सैंक्शन हुआ। अच्छा अच्छा, एक साल तक प्रॉब्लम रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाँ जी, पैसा मिलने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम पैसे की नहीं। अच्छा अच्छा, और वही मेन प्रॉब्लम हुई सस्पेंडर खुलने की। हाँ जी, सस्पेंडर खुलने से वजह से करीब 10 महीने तक काम हुआ। अच्छा अच्छा, सस्पेंडर का मतलब आप समझ रहे, जैसे ये है ना, ये हाँ जी जैसा सॉकेट जो बना हुआ, ये सॉकेट से, हाँ जी, यहाँ से निकल गया हुआ है। अच्छा, ये वायर निकल रहा था, निकल गया, और पूरा का पूरा टिल्ट हो गया उस टाइम पे, इसलिए फिर 10 महीने के लिए काम मतलब रुक गया। पूरे सस्पेंडर खोलने पड़े ना आप, सारे के सारे निकालने पड़े उस टाइम पे आपको? अच्छा, सारी रीशॉकेटिंग हो, मतलब काट करके फिर दोबारा से एडजस्ट किया सबको। ओके, बढ़िया। फिर वायर रोक कुछ कम पड़ी तो उसके लिए मंगाना पड़ा। हाँ जी, उषा पार्टी ने सप्लाई किया। ओके, बढ़िया सर। अब शाम हो गई, हम यहाँ से जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। ये सिलेंडर है, ये किस चीज़ के हैं सर वाले? ये सिलेंडर, ये सिलेंडर है CO2 का सिलेंडर। अच्छा, CO2 का है। ओके, अरे वाह। हाँ जी, एक वेल्डिंग है। अच्छा, मतलब एक तो मैनुअल आर्क वेल्डिंग होती है। हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड ब्लेड वेल्डिंग। अच्छा अच्छा, पूरी मशीन ये पूरी मूव करती है, ये जो ऊपर मूव कर रहे हैं, ऊपर से कैरेज ट्रॉली है। हाँ जी, हाँ जी, ये ट्रॉली है पूरी, ये भी उठाएगा और यहाँ से वो स्लिंग करेगा लेकर के उस पार जाएगा। अच्छा, उस पार जाएगा। ओके, अरे वो
उस एंड तक जाएगा ये। हाँ जी हाँ जी, अच्छा उस एंड तक जाएगा पूरा प्रॉपर। अरे स्टार्टिंग उस एंड से हुई है। हाँ जी हाँ जी, मतलब दोनों एक एक सेगमेंट दोनों तरफ से जुड़ता हुआ। अरे वाह, 87 सेगमेंट है टोटल। अच्छा 87 सेगमेंट है, तो 43 इधर 43 उधर। हाँ जी हाँ जी, 86 लास्ट में सेगमेंट जो है सेंट्रल मिडिल पार्ट है। अच्छा अच्छा, वो 7.5 मीटर लंबा है। 7.5 मीटर लंबा जो है 5 मीटर लंबा है। ओके, पहले जो पत्थर के जो मकान बनते थे जो बनती थी आर कैसे बनती थी। हाँ जी हाँ जी, जब तक आर्क बन नहीं जाती थी कलेक्ट कर जाता है। हाँ। जब जैसे लोड पड़ेगा फैलेगा। हाँ। लोड पड़ेगा तो एंड में दबेगा, सेंटर में बाहर फैलेगा। अच्छा अच्छा, प्लस थर्मल एक्सपेंशन भी होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा टेम्परेचर बढ़ने से। हाँ। तो दोनों साइड में एक्सपेंशन ज्वाइंट करेगा। अच्छा, वो अभी ये लगा नहीं क्योंकि उसका जो कम्प्लीट नीचे अभी इसके सिस्टम एक और है। हाँ जी, वो लिंक शू है। लिंक शू का मतलब दोनों तरफ से एक आर्म है, जैसे हाथ है ना आपकी आर्म, आर्म हाँ, हाथ की तरह आर्म है, वो नीचे कनेक्ट हो जाएगी। okay. और डेक से कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, मतलब एक रेडियस में। हाँ जी, सर्टेन उसको लिमिट रिस्ट्रिक्ट करेगा बाहर, वो अंदर और बाहर जाने। हाँ जी हाँ जी, तो भी अभी लगाना है। हाँ जी, और विंड हवा को रोकने के लिए। हाँ जी, इधर एंड में विंड शू है। अच्छा, जो आपने बताया था ये विंड शू, उधर प्लेट लगी हुई है उसके ऊपर एक पैड आएगा। ओके, और वो पैड जो है। हाँ। तो इसको इधर उधर जाने से रोकेगा। केबल है, केबल क्लैंप्स है। हाँ जी, केबल क्लैंप पे मान लीजिए चलते चलते जटिंग से कोई बोल्ट टूट गया। हाँ। हो गया। हाँ जी, उसको बोल्ट रिप्लेस करने हैं। अच्छा अच्छा, इसका पीरियडिकल मेंटेनेंस। हाँ। पेंटिंग है। अच्छा, पेंटिंग के अलावा फिर इसके बाद अभी ये जो मेन के एंकर ब्लॉक्स है। हाँ जी, ब्लॉक्स में वो मेन केबल जो जा रही है 12 इधर है 12 उधर। अच्छा, 12 इधर 12 कनेक्टेड है। अच्छा ओके, वहाँ पर कनेक्टेड है तो उनको ये उसका देखना है भाई ये कोई स्लिपेज तो नहीं है कहीं। ओके, वो चीज कंट्रोल करना है। इसके बाद ऊपर जा करके टावर के ऊपर सैडल है। हाँ जी हाँ जी, सैडल के ऊपर ये क्लाइंप किए हुए। अच्छा अच्छा, अरे वाह, अगर ये फ्री नहीं होना चाहिए। हाँ। टावर के साथ में क्लाइंप है। ओके हाँ जी, तो अगर मान लीजिए वो अगर ये फ्री होगा तो टावर को लेकर इधर जाएगा। अच्छा, आर एस यादव सर हैं और बाकी यादव सर ने हमको बहुत ही अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया किस तरीके से इसको बनाया गया, कितनी प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या इसका डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सभी हमको अच्छे से समझाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सर, आपने हमको टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। बाकी सर आपके वैसे मतलब कितने प्रोजेक्ट टोटल ला के आपने कर दिया इस टाइप के? प्लीज, मैं तो आपको गिना नहीं सकता, लेकिन मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट। अरे वाह, 40 टाइप के। तो बाकी आपके स्टेडियम हो गया। हाँ, स्टेडियम है, थर्मल पावर है। हाँ जी, थर्मल पावर के बाद टावर्स हैं। हाँ जी, ऑल इंडिया रेडियो के टावर्स हैं, टीवी टावर्स हैं। हाँ जी, इसके बाद फिर इसे हाइड्रो प्रोजेक्ट है। अच्छा अच्छा, जिसको आप पानी इकट्ठा करके जैसे चला रहे हैं, जैसे आपको टेहरी में जो चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। और टोटल ना की बात ये भी है कि सर ने 1970 से सर बताते कि 1970 से वो काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो 2000 सीमेंट प्लांट नेपाल में, सीमेंट प्लांट मैंने तो किया। अरे वाह, इसके बाद आसाम में पेपर प्रोजेक्ट। अच्छा अच्छा, पेपर प्रोजेक्ट इसका, फिर इधर अनंत कोल वाशरी। अच्छा, कोयले खदान होती है। हाँ जी हाँ जी, तो कोल वाशरी में काम। अरे वाह, तो इस तरह से थर्मल के कई प्रोजेक्ट किए हम लोगों ने। हाँ जी, फिर इसके बाद स्टील प्लांट टाटा का जो टिस्को स्टील प्लांट में बहुत सारा काम किया। हाँ जी, बाद कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट। अच्छा अच्छा, कश्मीर का हाइड्रो पीरियड में। हाँ जी, मिलिटेंसी पीरियड में। ओके, और सारा एरोशी पर सारा दूरदर्शन के टावर। हाँ जी, और सर मतलब डोगरा चांटी के पुल के बाद आप फिर अगला टारगेट क्या है आपका? फिर अगला टारगेट तो मेरा एक टिपिकल जॉब है। हाँ जी, साबरमती पर जो उधर है फुट ओवर ब्रिज अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद में। हाँ जी, तो इससे चैलेंजिंग जॉब है, 300 मीटर लंबा है, पानी के ऊपर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। हाँ जी, और क्रिटिकल है उसकी भी, मतलब पानी के ऊपर ही काम करना। अरे वाह, तो सर का अगला प्रोजेक्ट तो हमको पता चल चुका है कि सर आगे अगला प्रोजेक्ट भी असाइन हो चुका है उनके लिए। तो सर आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया हमको। थैंक यू सर। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच सर। तो भाई गौरव, कैसा लगा आपको मिलके यादव सर से? बहुत 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 अच्छा। यादव सर बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वीट आदमी है, बिल्कुल हमारे पिताजी की उम्र के, बहुत ही स्वीट है। एंड उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, अपने बच्चे की तरह। यस, काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे बच्चों की तरह हो, बिल्कुल। मेरे को बहुत अच्छा लगा, काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारा उनसे सीखने को हमें मिला, काफी सारा नॉलेज मिला। एंड मतलब आज हमारा, आप सब लोगों ने बोला था मुझे यहाँ जाने के लिए, स्पेशली हम लोग आए थे यहाँ पे, तो देखो आप सब लोगों को पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से ये बना था, क्या क्या हुआ था यहाँ पे, तो सब कुछ आपको देखने को मिला। जो मेन प्रोजेक्ट मैनेजर है वही है, ठीक है ना, जो आप हमारे जो आर एस यादव सर हैं, तो वही इसके मेन प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर सबके सब याद रखना, ठीक है ना।
तो बाकी अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस, घर की तरफ तो डोबरा चाटी पुल। चलो भाई, तो गौरव चलो भैया। ना ना अभी चलते रहे, कोई करनी। तो अब हम मिल रहा आप सभी लोगों से अगला एपिसोड में जी, तब तक की खातिर गौरव चौहान और आशीष चमली की तरफ बिटिन नमस्ते 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 नमस्ते। अरबल जय भारत और जय उत्तराखंड, जय हो। अरबल डू लाइक डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ट्रैवल फ्रॉस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय। ये गौरव क्या कर रहे, क्या हाल करने लगी हूँ छोरों का? क्या टाइम करी अपने काम, मेहनत करी नहीं अभी।